नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भूपेंद्र जी के, जो कि बदुआ गांव सरला के बलघाटी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, जिनके टमाटर आप देख रहे हैं। इनकी फसल लगभग ये एक महीना 20 दिन के आसपास की इनकी फसल तैयार हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी फसल इनकी आई है। इन्होंने टाइम टू टाइम पे स्प्रे, टाइम टू टाइम पे पानी और अच्छे से पूरे टाइम टू टाइम पे इन्होंने निंदाई, टमाटर की पुताई अच्छे से की हुई है और धागा भी इन्होंने लगभग 2 धागे बांध दिए हैं। इनकी हाइट लगभग आप देख पा रहे हैं तो 1.5 से 2 फुट इनकी लगभग हाइट है और प्रत्येक टमाटर के पौधे में आपको जहाँ तक नज़र आ रहा है लगभग 40 से लेकर 60 फूल जो कि आगे को टमाटर में तैयार हो जाएंगे आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी इनकी फसल तैयार हुई है और ये प्रोफेशनली जो हैं, जो बेल्डर हैं, ठेके लेते हैं बेल्डिंग के, तो इन्होंने ये रुझान लगभग पिछले साल इन्होंने पहली बार टमाटर की खेती करी थी, जो कि आज से लगभग 2 साल पहले जब टमाटर के प्राइसेस अच्छे से 60, 80 और 100 रुपये तक पहुंच गए थे मार्केट प्राइसेस, तब इन्होंने इनका जो है खेती की तरफ रुझान बढ़ा था और इन्होंने लास्ट ईयर अच्छे से खेती करी थी और लास्ट ईयर तो अच्छे प्राइसेस नहीं रहे, तब भी इन्होंने लगभग 50,000 रुपये तक जो है इस लगभग ये 1 बीघे से भी कम खेत है इससे कमा लिए थे। तो लगता है इस साल अच्छे प्राइजेस रहने के आसार हैं, तो लगभग ये 1 से 1.5 लाख से ऊपर भी कमा सकते हैं इस साल। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी इसी जिस तरह से इनकी फसल चली हुई है तो लगता है कि एक आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर जो है मार्केट में ये टमाटर जो इनका पहुँच जाएगा। तो उसका नेक्स्ट वीडियो जो भी इनके कुछ भी आगे होगा वो अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।